ना जाने कितनी बार, सैकड़ों बार, हजारों बार, सिर्फ एक ही प्रश्न, एक ही प्रश्न। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि क्या परमात्मा है? सबसे बड़ी दिक्कत है उन लोगों के साथ जो परमात्मा में विश्वास करते हैं। आप उनसे पूछिए कि आप परमात्मा में विश्वास क्यों करते हैं? क्या परमात्मा ने बोला है कि मेरे ऊपर विश्वास करो? फिर काहे परेशान? या तो लालच की वजह से करते हैं, या डर की वजह से करते हैं, या इस वजह से करते हैं कि चलो है या नहीं है, मान जाने में क्या क्या फर्क पड़ता है। तो पहले तो अपने आप को साफ कीजिए कि आप पूछ क्या रहे हैं और जानना क्या चाह रहे हैं। जब तक प्रश्न सही नहीं होगा, तब तक रास्ता निकल कर आ ही नहीं सकता। जिस दिन आपको स्वयं का ज्ञान हो गया, जिस दिन आपने स्वयं को पा लिया, उस दिन आपको परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। ओम तत्सत। दाता याद है। आज हम एक बहुत ही सूक्ष्म परंतु अति विराट, एक बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, एक सिंपल, बिल्कुल साधारण सा प्रश्न, लेकिन सबसे ज्यादा जटिल और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, उस पर बात करने जा रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा। कारण उसका यह है कि ना जाने कितनी बार, सैकड़ों बार, हजारों बार, सिर्फ एक ही प्रश्न, एक ही प्रश्न। आप कहीं जाएं, एक ही प्रश्न। पूछने के भाव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि क्या परमात्मा है? या कोई पूछता है कि क्या परमात्मा को पाया जा सकता है, या कोई पूछता है कि परमात्मा को कैसे पाएं? लेकिन सब मिलते जुलते प्रश्न हैं। और इस प्रश्न का जितना साधारण प्रश्न है, जितना सरल प्रश्न है, उतना सरल उसका उत्तर नहीं है। तो मैं पूछता हूं कई बार कि अच्छा ठीक है, आप पूछ रहे हो कि क्या परमात्मा है, तो मैंने कहा आप ये बताओ कि क्या आप परमात्मा में विश्वास करते हो? क्योंकि या तो आप करते हो या आप नहीं करते हो। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है उन लोगों के साथ जो परमात्मा में विश्वास करते हैं। आप उनसे पूछिए कि आप परमात्मा में विश्वास क्यों करते हैं? क्या परमात्मा ने बोला है कि मेरे ऊपर विश्वास करो? फिर काहे परेशान? या तो लालच की वजह से करते हैं, या डर की वजह से करते हैं, या इस वजह से करते हैं कि चलो है या नहीं है, मान जाने में क्या क्या फर्क पड़ता है। तो मैं पूछता हूं कि आप विश्वास करते हैं कि क्या परमात्मा है? जब वो मेरे से पूछते हैं कि क्या आपने परमात्मा को देखा है, क्या आपने स्वयं को जाना है, तो उनका उत्तर, दो तरह के उत्तर देते हैं लोग। एक उत्तर कि हमारे लिए तो आप ही परमात्मा हो। अरे भाई, अगर मैं ही हूं तो फिर ये प्रश्न भी क्यों है कि क्या परमात्मा है? और फिर यह प्रश्न भी क्यों कि क्या आपने देखा है? और दूसरे तरह के लोग बोलते हैं कि हां परमात्मा तो है, और अगर परमात्मा है तो भी यह प्रश्न क्यों? तो पहले तो अपने आप को साफ कीजिए कि आप पूछ क्या रहे हैं और जानना क्या चाह रहे हैं। जब तक प्रश्न सही नहीं होगा, तब तक रास्ता निकलकर आ ही नहीं सकता। अगर रास्ते को पाना है तो प्रश्न का सही होना जरूरी है। जैसे मैं कई बार एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जो मुझे बहुत याद रहता है, स्वामी विवेकानंद का, कि उनके मन में जिज्ञासा थी कि क्या परमात्मा है, लेकिन वो जिज्ञासा झूठी जिज्ञासा नहीं थी, वो सच्ची जिज्ञासा थी। सब तरफ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, सब लोग इधर उधर मंदिरों में जा रहे हैं,
और एक छोटे से बालक के दिमाग में एक प्रश्न शुरू से कि ये जो सब कुछ हो रहा है क्या ये सही है, क्या वाकई में परमात्मा है? तो वो जहां जाए, जिससे मिले उससे वही हाथ पकड़ के पूछे कि क्या परमात्मा है, और सब कहें कि हाँ है। अब कह देने से कैसे, विवेकानंद कैसे माने कि है? तो वो रामकृष्ण परमहंस से भी एक बार मिले, उनसे भी पूछा कि क्या परमात्मा है। उनका साधारण सा जवाब था कि क्या तुझे मिलना है? जिसने खुद पाया हो उसका उत्तर भी वैसा ही होगा। आपके मन को ढकने के लिए नहीं, आपकी आंखों पर पर्दा डालने के लिए नहीं। तो आज इस वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो काफी गहरी होने वाली है, और क्योंकि आप इतनी बड़ी बात की चर्चा करने जा रहे हैं, अगर आपको सही मायने में जानना है तो ही सुनिएगा, अन्यथा आप इस वीडियो को अभी बंद कर सकते हैं, क्योंकि समय खराब करने से कोई फायदा नहीं। देखिए, अगर परमात्मा है तो उसे पाया भी जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को दृढ़ निश्चयी करना होगा कि परमात्मा है। उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं, उसमें प्रश्न चिन्ह कोई नहीं। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि एक बालक था छोटा सा, और उसकी एक मां थी। मां जो है बहुत बीमार हो गई, तो वो हॉस्पिटल में चली गई। गरीब लोग थे, अब चूंकि गरीब थे तो जो छोटा सा बच्चा था उसके लिए तो माँ ही सब कुछ थी, वही खाना लाती थी, वही काम करती थी घरों में जाके। तो जब वो बीमार हो गई तो उसको चिंता हुई, माँ के पास पड़ा रहता था हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल था, लेकिन कुछ ऑपरेशन वगैरह होने थे जिसके लिए पैसा वैसा नहीं था। तो वो डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब मेरी माँ कब ठीक होगी? तो डॉक्टर परेशान होकर बोलता है कि तेरी माँ को तो तेरा भगवान ही ठीक कर सकता है, बस तेरी माँ का कोई इलाज नहीं है, बस भगवान ही ठीक कर सकता है। अब बच्चा क्योंकि सरल था तो उसने अपनी जेब टटोली, उसमें एक रुपए का सिक्का था। उसने कहा कि ठीक है, मैं परमात्मा को लेके आता हूं, अगर परमात्मा ठीक कर सकता है तो वो एक दुकान में जाता है, दुकानदार से बोलता है कि सेठ जी मेरे को भगवान चाहिए, कितने का मिलेगा? वो कहता है कि वो भगा देता वहां से। ऐसी दूसरी तीसरी 30-40 दुकानों में वो जाता है, बच्चे को भगा देते हैं, कोई उसका एक रुपए का सिक्का बाहर फेंक देता है, बच्चा फिर उसको उठा के फिर अगली दुकान पे। अंततः वो एक दुकान पे पहुंचता है, और पहुंचने पर सेठ को बच्चा बड़ा मासूम लगता है, और ये प्रश्न उससे भी ज्यादा मासूम लगता है कि मुझे परमात्मा खरीदना है। तो उसने पूछा कि भैया बेटा तूने परमात्मा तेरे को क्यों चाहिए? उसने कहा कि मैं अपनी माँ का अकेला बेटा हूँ, मेरी माँ जो है अस्पताल में है, और डॉक्टर ने ये बोला है कि परमात्मा ही ठीक कर सकता है। तो सेठ ने कहा कि हाँ मेरे पास है। बच्चे को बहुत उम्मीद बंधी, बच्चे ने कहा कितने का है? सेठ ने बोला कि तेरे पास कितने पैसे हैं? तो उसने कहा कि एक रुपया है मेरे पास। तो सेठ जी बोले हाँ हाँ एक रुपये में तो आ जाएगा परमात्मा, कोई दिक्कत नहीं है। सेठ जी को एक रुपया दिया। अब सेठ जी सोचें कि इसको परमात्मा कैसे दूं, लेकिन बच्चे के प्रेम ने सेठ का मन मोह लिया था। सेठ भी भावुक थे, उन्होंने एक गिलास पानी का, जो कि एक रुपये में आ सकता था, एक गिलास पानी का भर के दिया बच्चे को, और कहा कि ये परमात्मा है, इसको जाके अपनी माँ को पिला दो और तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अब प्रकृति के अपने नियम हैं, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा इसी वीडियो में। बच्चा गया, माँ को वो पानी पिलाया, एक दो दिन में, तीन दिन में धीरे धीरे माँ को आराम आने लगा, और कुछ दिन में वो ठीक हो गई। अब अस्पताल की कुछ दवाइयों के पैसे थे, कुछ और थे, तो जब बिल देखा तो माँ घबरा गई, लेकिन डॉक्टर बोला कि घबराने की जरूरत नहीं है, सब पैसे आ गए हैं।
तो फिर उसको एक चिट्ठी दी गई। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, ये सब परमात्मा का है। तो अगर उस बच्चे की तरह मन में कोई दुविधा नहीं है कि हां परमात्मा तो है, फिर अगला प्रश्न बिल्कुल साधारण हो जाएगा और फिर आपका आगे की तरफ, आगे की मंजिल की तरफ वह रास्ते का द्वार जो है वो खुल जाएगा। तब अगला प्रश्न ये होगा कि परमात्मा को कैसे पाएं। तो मेरा कहने का भाव यह है कि पहले तो आप अपने प्रश्न को सही कीजिए, और आप अपने प्रश्न को तभी सही कर सकते हैं जब अपनी दुविधा से बाहर निकलेंगे। मन में संशय नहीं होगा, कटुता नहीं होगी, जटिलता नहीं होगी, साधारण, सिंपल, सरल। अगर आप सरल नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल सकता। सरल सरल से ही मिल सकता है, जटिल से नहीं। अब आगे चर्चा करते हैं कि परमात्मा को हम कैसे अनुभव करें, परमात्मा को हम कैसे पाएं, परमात्मा को हम अपने जीवन में कैसे उतारें, कौन सा तरीका है। देखिए, आप परमात्मा को देख नहीं सकते हैं लेकिन अनुभव कर सकते हैं, और अनुभव कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकता हूं लेकिन इस वीडियो के द्वारा आप मेरे को सुन सकते हैं, आप मेरे को देख सकते हैं, मैं आपके शहर में भी नहीं हूं। तो एहसास और वो अनुभव, आप कहीं बैठे हैं, आपके कान में कोई आवाज आ रही है, आप उसको अनुभव कर रहे हैं, तो उसका मतलब आवाज तो है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आज विषय जो है बहुत ही आकर्षक है। तो आप परमात्मा को तो नहीं देख सकते हैं लेकिन उसको अनुभव कर सकते हैं, और अनुभव करना भी कोई देखने से कम नहीं है। साथ होने का मतलब स्पर्श नहीं होता, या सिर्फ स्पर्श नहीं होता, साथ होने का मतलब एहसास भी आपको एक साथ रख सकता है। चलिए, आप परमात्मा को नहीं देख सकते लेकिन प्रकृति को तो देख सकते हैं, फिजिकल नेचर को देख सकते हैं, भौतिक प्रकृति को हम देख सकते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचें कि जैसे हमारा विज्ञान है, विज्ञान किस तरह से खोज करता है, विज्ञान किस तरह से सोचता है। विज्ञान सोचता है कि यह चीज कैसे बनी, यह किस किस चीज से यह चीज बनी, भौतिक प्रकृति बनी तो किस किस चीज से बनी, कैसे बनी। और आध्यात्मिकता क्या देखती है कि किसने बनाई। दोनों में फर्क कुछ नहीं है लेकिन रास्ते अलग अलग हैं, खोज अलग अलग है, व्यथा अलग अलग है, पीड़ा दूसरी है। तो अगर आप इस बात को बिल्कुल आराम से सोचें और समझें कि आध्यात्मिकता क्या सोच रही है, आध्यात्मिकता सोच रही है कि ये किसने बनाई। विज्ञान तोड़ता है, आध्यात्मिकता जोड़ती है, आध्यात्मिकता जुड़ाव को देखती है। बात विज्ञान भी वही कर रहा है लेकिन तरीका दूसरा है, तो विज्ञान तोड़ता है। अब जैसे आप किसी पदार्थ को ले लीजिए, विज्ञान क्या सोचता है कि यह पदार्थ किस चीज का बना, कैसे बना। तो पदार्थ को तोड़ा गया, तोड़ा गया, तोड़ा गया, और फिर सैकड़ों वर्षों के बाद धीरे 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 तोड़ते 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 आखिर में विज्ञान पहुंचा कि सबसे छोटा पार्टिकल जो है एक पदार्थ के अंदर, वो एटम है। फिर एटम किस चीज का बना, तो एटम बना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव ऊर्जा है, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव ऊर्जा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो पदार्थ को तोड़ते तोड़ते आप एटम तक पहुंचे हैं, और एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि अगर आप रेत का एक कण भी लें तो उससे भी करोड़ों गुना छोटा, छोटे से छोटा।
वहां तक तो विज्ञान पहुंच गया। उसके बाद फिर खोज जारी है, और जो आध्यात्मिकता है वो ये सोच रही है कि ये किसने बनाया। अब आप पानी को ले लीजिए, विज्ञान की खोज के पानी कैसे बना? तो पानी बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से। तो उसमें कितनी हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन? अब हाइड्रोजन दो पार्ट और ऑक्सीजन एक पार्ट, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी, उससे मिलकर पानी बना। अगर आध्यात्मिकता को यही बात सोचनी हो तो आध्यात्मिकता सोचेगी कि पानी किसने बनाया, सिर्फ इतना फर्क। अब आप जैसे एक पानी की बूंद दे लीजिए, क्या आप पानी की बूंद से पूछेंगे कि क्या समुद्र है? और अगर पूछेंगे भी तो पानी की बूंद क्या जवाब देगी? जब तक वो समुद्र का अनुभव नहीं कर लेती, जब तब तक वो नहीं बता सकती कि समुद्र चीज क्या है। लेकिन अगर आप देखें कि समुद्र में या पानी की उस बूंद में कोई भेद है, जब वही पानी की बूंद समुद्र के अंदर होगी तो वही बूंद समुद्र होगी, समुद्र का हिस्सा नहीं होगी बल्कि खुद समुद्र होगी। और यही बात हमें आध्यात्मिकता में जानने की जरूरत है। पानी की वो बूंद जब तक विराट का हिस्सा नहीं बन जाएगी तब तक वो विराट का एहसास नहीं कर सकती। और जब छोटे से समुद्र की हम बात कर रहे हैं, आप इसको भी छोड़िए, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल में हमारे ग्रह हैं, नौ ग्रह हैं, सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह हैं, एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, इसी तरह से दूसरे ग्रह। पृथ्वी का उपग्रह जो है वो चंद्रमा है, चंद्रमा हमारे नजदीक है। आप ये देखिए कि अगर हम जो दूरी नापते हैं, जब बड़ी दूरियां हो जाती हैं तो हम उस दूरियों को नापते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, कि जो प्रकाश की गति है वो एक सेकंड के अंदर कितनी दूर जाएगी, तो हम उससे कहते हैं कि ये चीज इतनी दूर है प्रकाश गति के हिसाब से। तो चंद्रमा हमारा जो है लगभग 384,000 किलोमीटर के आसपास इतनी दूरी पर है, और जो स्पीड है लाइट की, जो प्रकाश की गति है, वो एक सेकंड में 300,000 किलोमीटर ट्रेवल करने की है। तो यानी कि लगभग 1.25 सेकंड दूर है प्रकाश गति के हिसाब से चंद्रमा हमसे। अब इसको थोड़ा सा और आगे ले जाइए, थोड़ी सी दूरी बढ़ा दीजिए। चलिए हम सूर्य की बात करते हैं, हमारे सौरमंडल के अंदर ही। सूर्य जो है हमसे लगभग, हमारी पृथ्वी से लगभग 14,80,000 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी कि अगर आप प्रकाश की गति के हिसाब से देखें तो सूर्य हमसे लगभग 8 मिनट की दूरी पर है, प्रकाश गति के हिसाब से 8 मिनट की दूरी पर है। अब हमारा जो सौर मंडल है, हमारे सौर मंडल में करोड़ों और सौर मंडल हैं हमारी आकाशगंगा के अंदर। अगर हम अपनी पृथ्वी से अपनी आकाशगंगा के पार जाना चाहें तो हमें 2,00,000 साल लग जाएंगे प्रकाश गति के हिसाब से। और फिर हमारे ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। हमारा सौर मंडल, हमारे सौरमंडल के बाद आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा के अंदर करोड़ों सौरमंडल, फिर उसके बाद ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों आकाशगंगाएं, और उन करोड़ों आकाशगंगाओं के अंदर करोड़ों सौरमंडल। तो ये हमारा ब्रह्मांड है। और अब तो पहली बात तो ये समझिए कि विज्ञान या हम जो कुछ भी जानते हैं विज्ञान से ही जानते हैं। तो हम अपने ही ब्रह्मांड के 3/4 हिस्से को, तो जिसको कि देखना संभव है, जो फिजिकल नेचर है, मटेरियल नेचर है, भौतिक प्रकृति है, जिसको देखना बिल्कुल बिल्कुल संभव है, 3/4 हिस्से को तो हम अभी तक जानते भी नहीं है अपने ब्रह्मांड को। और फिर अब तो विज्ञान का यह भी मानना है कि हमारे ब्रह्मांड के बाद और भी करोड़ों ब्रह्मांड है,
तो ये इतना बड़ा विराट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको जानना कैसे जानेंगे? एक ही तरीका है कि आपको अगर उसके गुण को जानना है, उसको समझना है, उसको अनुभव करना है, तो आपको पदार्थ को पहले अनुभव करना होगा, आपको छोटे से छोटी इकाई पर पहले जाना होगा। यह विज्ञान का मानना है। आध्यात्मिकता विराट को देखती है, आध्यात्मिकता जानने चाहती है कि किसने बने। आध्यात्मिकता की जो विचारधारा है वो सब संपूर्णता पर है, लेकिन हम ब्रह्मांड की भौतिक प्रकृति की बात कर रहे हैं, और अगर हम परमात्मा की बात करें वो कितना विराट है। उसको जानने के लिए, उसको पाने के लिए, उसको अपनी जिंदगी में उतारने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए उपाय क्या है, ये सही प्रश्न है। अब मैं फिर से एटम पर आ जाता हूं, पदार्थ पर आ जाता हूं। मैं विज्ञान की चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि हम बात को समझ सकें, और जब बात समझ में आ जाएगी तो संशय दूर हो जाएंगे और रास्ता, हमारा मार्ग जो है आध्यात्मिकता का, वो खुल जाएगा। एटम क्या है? जैसे हमने अभी बात की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, न्यूट्रल एनर्जी है तो ऊर्जा ही, भौतिक ऊर्जा है, मैनिफेस्टेड है, मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति जो है व्यक्त है, मैनिफेस्टेड है। अब आपको इस बात को थोड़ा सा और आगे ले जाना होगा और यह समझना होगा कि मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड में क्या फर्क है। हमारी भौतिक प्रकृति मैनिफेस्टेड है, व्यक्त है। इसके अलावा एक और प्रकृति है जो कि अनमैनिफेस्टेड है, यानी कि अव्यक्त है, और वो है स्पिरिचुअल नेचर। सो फिजिकल नेचर और स्पिरिचुअल नेचर, इसके फर्क को आपको समझना होगा। अगर हम स्पिरिचुअल नेचर की बात करते हैं, उस विराट की बात करते हैं, उस परमात्मा की बात करते हैं, दाता की बात करते हैं, उस परम ऊर्जा की बात करते हैं, तो आपको उसकी छोटी से छोटी इकाई पर आना होगा, उसे जानना होगा, सबसे पहले उसे समझना होगा, उसके गुणों को समझना होगा, उसकी प्रक्रिया को समझना होगा, और वो है आत्मा। एटम की तरह आत्मा भी एक ऊर्जा है, अनमैनिफेस्टेड है, अव्यक्त है, स्पिरिचुअल नेचर का पार्ट है। जैसे मैं बूंद और सागर की बात कर रहा था, बूंद और समुद्र की बात कर रहा था, अगर आपको समुद्र को समझना है तो आप क्या करेंगे? आप पूरे समुद्र को उठाकर किसी टेस्ट ट्यूब में तो नहीं डाल सकते, और उसको लैब में जाके एनालाइज नहीं कर सकते हो, उसको अनुभव नहीं कर सकते, उसके गुणों को नहीं पहचान सकते हो। तो आप क्या करेंगे? आप समुद्र से एक बूंद पानी की लेंगे और उसको एनालाइज करेंगे लैब के अंदर, ऐसे ही करेंगे। आप पूरे समुद्र को तो नहीं कर सकते, लेकिन उस समुद्र का अनुभव करने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए आपको एक बूंद को लेना होगा। अब जब वो बूंद समुद्र में नहीं है तो समुद्र तो नहीं है वो बूंद, वो तो बूंद ही रह गई, लेकिन वो बूंद उस समुद्र के गुणों को लिए हुए है, ये आप जानते हैं। तो ये एक एटम का, एक अंश का रिलिजन है, उसका स्वभाव है। रिलिजन से मेरा मतलब, धर्म से मेरा मतलब संस्थागत धर्मों से नहीं है, धर्म से मेरा मतलब स्वभाव से है, धर्म से मेरा मतलब आत्मा के धर्म से है, आत्मा के स्वभाव से है। तो वो एक बूंद का, एक पदार्थ का रिलिजन हुआ। इसी तरह से अगर हम आत्मा को देखें तो आत्मा का क्या रिलिजन है? आप अपने आप को कहते हैं आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, कितने बड़े बड़े नाम, कितने बड़े बड़े उपनाम, और उन धर्मों के पीछे फिर जातियां, पंथ, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग विश्वास, अलग अलग कर्मकांड। लेकिन अगर आप आत्मा के गुणों को समझते हैं, अगर आप आत्मा को समझते हैं, अगर आपने स्वयं को पा लिया है, तो परमात्मा को पाने का रास्ता खुल गया और आपके मन से यह सब मूर्खता खत्म हो जाएगी हिंदू मुस्लिम की। जिस दिन आपको स्वयं का ज्ञान हो गया, जिस दिन आपने स्वयं को पा लिया, उस दिन आपको परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि उस समय आपको वो विराट दिखाई देगा।
कहने को तो बात बहुत साधारण है कि क्या परमात्मा है। परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, बहुत साधारण है। बट जब उसको समझाना हो, जब उसको बताना हो, और उन लोगों को बताना हो जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, सामाजिक अनुबंधनों से ग्रसित हैं, अज्ञान है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको बहुत सारे उदाहरण देने पड़ते हैं, आपको बहुत सारी किताबें ग्रंथ लिखने पड़ते हैं एक छोटी सी बात को समझाने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नदी एक रास्ते से समुद्र की तरफ जा रही है, दूसरी नदी दूसरे रास्ते से समुद्र की तरफ जा रही है, और दोनों नदियां बोलें कि मेरा रास्ता सही, और इस रास्ते में पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर ऊपर से नीचे गिरोगे, फिर पत्थर आएंगे, फिर कंकर आएंगे, ये सब। लेकिन बात वही कि मंजिल और मंजिल तक पहुंचना, उसकी ललक, उसकी प्यास, उसकी तड़प दोनों की उतनी ही गहरी है, दोनों नदियों की, जैसे हम सभी धर्मों की। निचोड़ एक ही है, मंजिल एक ही है, बताने के तरीके अलग अलग हैं, अपने अनुभव अलग अलग हैं। और जिस दिन हमें स्वयं का ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन हम स्वयं को पालेंगे, आप विश्वास कीजिए कि जिन जिन पूर्वाग्रहों से आप ग्रसित हैं, जिन जिन सामाजिक अनुबंधनों से आप ग्रसित हैं, मैं अपनी ही बात करूं, अगर कभी भी कहीं से गुजरना, जैसे मंदिर आ गया या मस्जिद आ गई या गुरुद्वारा आ गया, तो अपने आप एक रूटीन, मन में कोई भी भाव हो, मन में विचार कोई भी चल रहा हो, लेकिन सिर झुक जाएगा, क्योंकि ऐसा सिखाया गया है। लेकिन जब आपको अपने बारे में जानकारी हो जाएगी, जब आप स्वयं को जान लेंगे, तो ये चीजें धीरे 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 छूटते छूटते बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम लोग अपनी विवशता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण चमत्कारों पे विश्वास करते हैं कि फलाना संत ने ये चमत्कार कर दिया, उसने ये चमत्कार कर दिया, ये कुछ नहीं है, सिर्फ आंखों पर पड़ी हुई पट्टी है। मैं तो ये बोलता हूं कि हमारे जो खेल करने वाले जादूगर होते हैं, जो अपना खेल दिखाते हैं, वो ज्यादा ईमानदार है। कम से कम वो ये तो बोलते हैं कि हाथ की सफाई है और कुछ नहीं है, जादू वादू कुछ नहीं होता है। और उस दिन जिस दिन आप स्वयं का अनुभव कर लेंगे, उस दिन ये सब चमत्कारों से आपका विश्वास उठ जाएगा। आपने काल्पनिक भगवान बना लिए हैं, उन भगवानों को अलग अलग नाम दे दिए हैं, अलग अलग धर्मों ने अपने अपने परमात्मा का अलग अलग नाम दे दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप मेरे को कुछ बोलें, आप मेरे को परम तुच्छ बोलें, आप मेरे को मेरे किसी भी नाम से पुकारें, मेरे को सर बोलें, बेटा बोलें, भाई बोलें, कुछ भी बोलें, मैं तो वही हूं ना। ऐसे ही उपनाम दे दिए गए हैं, और उनमें हम उतना उलझ गए हैं कि हमें अपना ही दिया हुआ नाम पसंद है, सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा इससे ऊपर कुछ भी नहीं। अगर परमात्मा को आपको कोई नाम देना है तो आप नाम दीजिए नियम, प्रिंसिपल। परमात्मा कुछ नहीं, एक नियम है। लोग आते हैं, बोलते हैं, मेरे से पूछते हैं कि मैं तो परमात्मा की इतनी सेवा करता हूं, इतना वो करता हूं, रोज ध्यान लगाता हूं, मैं फिर भी गरीब हूं, फलाना आदमी तो बेकार है, कुछ नहीं करता है और वो फिर भी खुश है, सुखी है। तो ये जो अपेक्षा है, ये जो लालच है, ये परमात्मा के दरबार में नहीं। परमात्मा का नाम नियम है, और उस नियम के हिसाब से जो हो रहा है वो सही हो रहा है। हर चीज नियम से बंधी है। पानी को उबलना है तो 100 डिग्री पर ही उबलना है, आप उससे कम में उसको नहीं उबाल सकते। बर्फ को जमना है तो 0 डिग्री पर ही जमना है, आप उससे कम में उसको नहीं जमा सकते। हर चीज नियम से बंधी है, और
मेरा मानना यह है कि अगर नियम को पाना है, मैं नियम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने कहा है कि परमात्मा को अगर कोई नाम देना है तो नियम दीजिए, क्योंकि जिस दिन ये बात समझ में आ गई उस दिन सारी आकांक्षाएं अपेक्षाएं खत्म हो जाएंगी। उस समय सिर्फ एक ही लगन, एक ही तड़प होगी कि हाँ परमात्मा तो है, अब उसको पाना है। उसको पाने के लिए सारी शंकाएं, सारी अपेक्षाओं को मारना होगा, खत्म करना होगा, और वो समझ के साथ ही हो सकती हैं, बिना समझ के नहीं। तो नियम को नियम से ही पाया जा सकता है। तो मैंने जो चर्चा की अभी तक कि क्या परमात्मा है तो उसको कैसे पाया जा सकता है, अनुभव कैसे किया जा सकता है, अब अगर हमें नियम को नियम से ही पाना है, परमात्मा को खुद से ही पाना है, तो अपने आप को नियम बनाना होगा। और जिस दिन आप नियम बन जाएंगे तो आपको विराट नियम मिल जाएगा। उस दिन आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, उस दिन परमात्मा आपके जीवन में उतर जाएगा, उस दिन आप स्वयं ही परमात्मा होंगे, क्योंकि उस दिन एकीकरण का जो भाव है, हर चीज में जुड़ाव का जो भाव है, आपकी ऊर्जा का यानी कि आत्मा का जो जुड़ाव है उस विराट ऊर्जा के साथ, जब उसका एहसास होगा तो यूनिटेटिव विजन एकीकरण उसका एहसास होगा, और तब सब संशय मन से खत्म हो जाएंगे। तब आपको उस विराट के सही मायने में दर्शन होंगे, सही मायने में अनुभव होगा। बहुत सारे रुकावटें आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, आपके पूर्वाग्रहों की वजह से, अज्ञानता की वजह से, सोसाइटी की कंडीशनिंग, सामाजिक अनुबंधनों की वजह से, और जो आध्यात्मिकता का रास्ता है, ये एक जर्नी है, एक ये यात्रा है, और ये आपकी अपनी पर्सनल यात्रा है। आप किसी दूसरे की यात्रा से स्वयं को नहीं पा सकते, आपको ये यात्रा खुद ही करनी होगी, आपको ये जर्नी खुद ही तय करनी होगी। अगर सभी बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं तो सभी को बुद्ध हो जाना चाहिए था, अगर सभी जैन महावीर के रास्ते पे चलते हैं तो सबको महावीर हो जाना चाहिए था। आपको अपनी रास्ते की यात्रा स्वयं करनी होगी, और सही मायने में, सही अर्थों में, पूरी सिंसियरिटी के साथ करनी होगी, तभी आप अपने परमात्मा को पा सकते हैं, तभी आप स्वयं को पा सकते हैं। आपको मैं थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं, क्योंकि हमारी जो चर्चा का विषय है वो बहुत विराट है, और जहां हम पहुंचना चाहते हैं वो ये है कि परमात्मा को कैसे अनुभव किया जा सकता है। संशय हट गया, परमात्मा है हम जानते हैं समझते हैं, अब उसको पाना है। तो मैं आपको वेदों के बारे में बात करता हूं कि हम वेद की चर्चा करते हैं कि वेद क्या है। लोग कंठस्थ कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि वो वेदों के ज्ञाता हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वेदों के प्रकार क्या हैं, क्योंकि हर चीज को बहुत साधारण तरीके से समझा जा सकता है, और जब आपको पूरी चीज समझ में आ जाती है तो वो इतनी साधारण हो जाती है कि उसको कहना और सरल हो जाता है, क्योंकि उसको निचोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर समझ नहीं आएगी तो आपको पूरी की पूरी गाथा उसी प्रकार से कंठस्थ गाथा के रूप में सुनानी होगी, ये बताने के लिए कि मेरे को आती है। तो मैं पूछ रहा हूं कि वेदों के प्रकार कितने हैं। अगर आप मेरे से कहें तो मैं कहूंगा कि वेदों के तीन प्रकार हैं सिर्फ, उसमें सब वेद खत्म। कौन कौन से प्रकार हैं वो वेदों के? संस्कार, ध्यान और ज्ञान, तीन प्रकार। संस्कार जो कि आपकी कंडीशनिंग है, वो आपको खुद गढ़ने हैं। ध्यान और ज्ञान, अगर आप इसी चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, थोड़ा सा बढ़ाएं, बिल्कुल सिंपल रखें, संस्कार, ध्यान और ज्ञान, वेद, आप इसको गीता पर ले जाइए, उपनिषद है, वेदों से हम उपनिषद पर आ जाते हैं। गीता के कितने प्रकार हैं? मैं गीता के श्लोकों की बात नहीं कर रहा, गीता की पूरी, गीता की प्रकारों की बात कर रहा हूं। तो गीता के भी तीन प्रकार हैं,
पहला कर्म योग, दूसरा भक्ति योग और तीसरा ज्ञान योग। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। अब आप पीछे चले जाएं वेदों पे, संस्कार, ध्यान और ज्ञान। गीता, संस्कार, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान, ज्ञान, ज्ञान, ये हुआ। अब आप को हम अपना एग्जाम्पल देते हैं, द्विज परंपरा का एग्जाम्पल देते हैं। हम कहते हैं कि अगर परमात्मा को पाना है तो कैसे पाया जाए। वेदों की चर्चा हो गई, गीता की चर्चा हो गई, दोनों एक ही बात है, एक ही चीज बोल रहे हैं। और अगर हम द्विज परंपरा में देखें तो हम भी वही चीज बोल रहे हैं, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। हम कहते हैं कि परमात्मा को संयम से पाया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि संयम क्या चीज है, तो मैं ये बोलता हूं कि संयम जो है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स। सभी अनुशासनों में सबसे कठिन अनुशासन जो है वो संयम है। अब संयम में क्या है, संयम में भी वही तीन चीजें हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि। वेद बोलते हैं कि संस्कार, ध्यान और ज्ञान। गीता बोलती है कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। और संयम बोलता है, द्विज संयम बोलता है धारणा, ध्यान और समाधि, एक ही चीज। धारणा क्या चीज है? मैं धारणा को, धारणा में तीन चीजें मानता हूं, क्योंकि धारणा का स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बिना आप दूसरी और तीसरी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, ध्यान और समाधि तक नहीं पहुंच सकते, और जब तक समाधि तक नहीं पहुंचेंगे ज्ञान के दर्शन नहीं होंगे। तो धारणा जो है वो एकाग्रता है, यानी कि आपको एकाग्र चित्त होना होगा, कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन, डगमगाना नहीं है, दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन। और तीसरा केंद्रिता, यानी कि फोकस। धारणा जो है इन तीनों चीजों का संगम है, एकाग्रता का, दृढ़ संकल्प का और केंद्रिता का। और इसको आपको डगमगाने नहीं देना है, नहीं तो दूसरी और तीसरी ध्यान और ज्ञान या ध्यान और समाधि, वहां तक आप पहुंचने के बाद भी फिसल सकते हैं। तो धारणा को हमेशा से स्ट्रांग रखना है। मैं क्यों बोलता हूं, क्या जरूरत है, क्यों मेरी धारणा डगमगाए नहीं, मेरे को उस धारणा को उतना ही स्ट्रांग रखना है। आप समाज में हैं, आप डगमगा सकते हैं, आप फिसल सकते हैं। तो अपने आप को आपको केंद्रित रखना है, अपने आप को फोकस रखना है, दृढ़ संकल्प रखना है, तो इसके लिए जरूरी है। एक ही चीज बढ़ती है बांटने से, एक ही चीज, और वो क्या है, ज्ञान, नॉलेज, समझ। जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी और आपका संकल्प उतना ही दृढ़ रहेगा। तो परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, कहने के तरीके अलग अलग हैं लेकिन तरीका एक ही है, धारणा, ध्यान और समाधि, संयम। चाहे आप उसको किसी भी रूप में देखें, किसी भी दृष्टि से देखें, बात वही है लेकिन तरीका अलग अलग है। अगर आप, जैसे मैं गीता की चर्चा कर रहा था, अगर आप उसको भी देखें, तो अगर आप कर्मयोग की भी बात करें तो निष्काम कर्मयोग जिसको हम बोलते हैं, वो भी कैसे होगा, बिना भक्ति के नहीं हो सकता है। तो निष्काम कर्म योग में मैं बोलता हूं कि भक्ति स्वतः ही निहित है और वो आपको ज्ञान तक लेके जाएगी। ज्ञान क्या है, हम बोलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आपको कितना ज्ञान है, या आप हमें ज्ञान दे दीजिए। ज्ञान कुछ नमक की पुड़िया तो है नहीं कि यहां से निकाली और यहां दे दी। आपको यह समझना होगा कि ज्ञान आफ्टर है क्या चीज, किसे ज्ञान कहते हैं। श्लोक याद कर लिए, दोहे याद कर लिए, सुना दिए, ये बता दिया कि फलाने पेज पर, फलानी चौपाई में, फलानी जगह ये चीज कही गई है, ज्ञान समझ का नाम है। ज्ञान किसी चीज की कंठस्थता का नाम नहीं है और ना हो सकता है। किसी चीज की जानकारी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी चीज की समझ होना बहुत बड़ी बात है। तो परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, ज्ञान। जब आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, जब आपको स्वयं का ज्ञान होगा, तो परमात्मा का अनुभव आपको स्वयं ही हो जाएगा, क्योंकि आप उस एनर्जी के, आप उस ऊर्जा के खुद दर्शक बन जाएंगे। और जब वो
आपको ऊर्जा दिखाई देगी। जब आपको स्वयं का ज्ञान होगा तो परमात्मा का अनुभव होना तुरंत, कितना भी छोटा क्यों ना हो। जैसे आप एक सपना देखते हैं, उस सपने में 5 मिनट में 10 मिनट में आप पूरा जिंदगी पूरा जीवन देख लेते हैं। आप बच्चे हैं, बड़े हो गए, फिर स्कूल भी चले गए, स्कूल जाने के बाद कॉलेज भी चले गए, यूनिवर्सिटी भी चले गए, शादी भी हो गई, बूढ़े भी हो गए उस 5 मिनट के सपने में, और आपको इतना विराट लगता है वो सपना। इसी तरह से जो आध्यात्मिक अनुभव है वो चाहे क्षणिक हो लेकिन वो इतना विराट होगा कि आपको लगेगा कि बहुत लंबा अनुभव था। तो छोटे छोटे अनुभवों से शुरू करिए। मार्ग आसान नहीं है, निश्चय जरूरी है, दृढ़ संकल्प जरूरी है। जब आपको निश्चय हो जाएगा हर बात के बारे में, सबसे पहले तो इस बात के बारे में कि वो प्रश्न चिन्ह हटा दो कि क्या परमात्मा है, उस निश्चय तक पहुंचो। एक कहानी और सुनाता हूं, उसके बाद अपनी बात समाप्त करता हूं आज। कि एक बुढ़िया थी और बहुत गरीब थी, तो उसके पास खाना नहीं था, 2-4 दिन से खाना नहीं खाया। तो वो जो है परमात्मा से सच्चे दिल से सरलता से बिल्कुल अंतर्भाव से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना भिजवा दो। उसको ये संशय नहीं था कि परमात्मा नहीं है, उसको ये संशय था कि परमात्मा मेरी परीक्षा ले रहा है, भाव सरल था। अब जो है उसने इसी बात को जो है उसने अपना व्हाट्सएप पे डाल दिया या किसी रेडियो चैनल पे डाल दिया, जो भी साधन रहे होंगे। तो एक आदमी जो बिल्कुल नास्तिक था, बहुत बड़ा सेठ था, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये क्या है, परमात्मा मेरे को खाना भिजवा दो। उसने कहा परमात्मा कहाँ है, परमात्मा नाम की कौन सी चीज़ है, खाना तो पैसे से आएगा और पैसे उसके पास है नहीं, क्या मूर्खता है। सेठ जी ने अपने मन में सोचा, लेकिन उनको शरारत सूझी, शैतानी किस्म के आदमी थे। उन्होंने अपने नौकर को बुलाया और उसको बोला कि ये ले जाओ खाना। खूब सारा खाना दिया कई दिन का, और कहा ये ले जाओ और उसको बोलो कि ये खाना आया तुम्हारे लिए। और जब वो पूछे कि ये किसने भेजा है, तो तुम सिर्फ इतना बोलना कि ये शैतान ने भेजा है। तो सेठ जी क्या दिखाना चाह रहे थे कि परमात्मा नहीं है, शैतान है, या परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जो भी उनके मन में भाव रहा होगा। तो बुढ़िया ने अपना खाना लिया, भर पेट खाना खाया, उसके बाद बाकी का खाना जो है वो रखने चली। अब अभी तक उसने पूछा ही नहीं बुढ़िया ने उससे कि ये किसने भेजा, नौकर बाहर खड़ा हुआ है। अब नौकर इंतजार कर रहा है कि ये मेरे से पूछे कि खाना किसने भेजा है, ताकि मैं इसको बताऊं कि तो शैतान ने भेजा है। बुढ़िया ने पूछा ही नहीं। अब उससे नहीं रहा गया, काफ़ी देर हो गई, तो नौकर ने पूछा कि माता जी आपने ये तो पूछे नहीं कि खाना किसने भेजा है। तो बुढ़िया ने बोला मेरे को पता है कि मेरा परमात्मा जब हुक्म करेगा तो शैतान को भी खाना भेजना पड़ेगा। तो जब निश्चय इतना दृढ़ हो तो परमात्मा को पाना संभव है, उसका अनुभव करना संभव है, उसको अपने जीवन में उतारना संभव है। सिर्फ हमें अपने आप को, खुद को समझना होगा। बात बिल्कुल साधारण है, 3 शब्द हैं सिर्फ, धारणा, ध्यान और समाधि। द्विज परंपरा में धारणा को टूटने मत दो, डगमगाने मत दो, हर रोज नियम से नियम को पाने की कोशिश करो, स्वयं से परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करो। हर रोज एक ही आरती गाने से परमात्मा नहीं मिलने वाला, उसके लिए आपको अपने जीवन के नियम बदलने होंगे, अपने ऊपर काम करना होगा, दृढ़ निश्चयी रहना होगा। आज इतना ही। ओम तत्सत।